एक जन किसान के कथा। एक दिन यीशु झील के तीर मा रिहिस। ओहर मनसे मन के एक ठन बनेच बड़खा भीड़ ला शिक्षा देत रिहिस। ओला सुने बर अतकी ज्यादा मनसे आइन कि यीशु ठी उ सब ले गोठियाए बर ओकरा बनेच जगह नी रिहिस। इकर बर ओहर पानी मा खड़े डोंगा मा चढ़ गिस। ओकरा ओहर बैठ गिस और मनसे मल्ला शिक्षा देन लागिस। यीशु हर ओ मल्ला ई कथा सुनाइस। एक झन किसान बीजा बोए बर बाहर निकलिस। जब ओहर हाथ मल्ले बीजा ला छींटत रहिस तो कुछु बीजा डहर मा गिरिस और चिरई मन आके उ सब बीजा मल्ला खा लिल। दूसर बीजा पथरी भुइयां मा गिरिन जोन ठी बनेच कम माटी रहिस। पथरी भुइयां मा गिरे बीजा मन बनेच जल्दी उग गिन लेकिन ओ मन के जरी भुइयां के गहराई मा जाय नहीं सकिस। जब सूरज निकरिस और गर्मी होइस तो उ पौधा मन मुरझा गिन और मर गिन। कुछु दूसर बीजा झाड़ी मन के मांझा मा गिरिन। उ बीजा मन हर बढ़े बर शुरू करिन लेकिन कांटा मन हर ओ मन ला दबा दिन। इकर बर कांटेदार भुइयां मा गिरे बीजा मन माले पौधा मन तो निकरिन लेकिन ओमन अनाज उत्पन्न नहीं करे पाइन। और कुछ बीजा बने भुइयां मा गिरिन। उ बीजा मन बढ़िन और जतकी बीजा बोए गे रहिस ओमन ले 30-60 और इकरा तकले कि 100 गुना अनाज निकरिस। जोन कोनो घोले परमेश्वर के पाछू चले बर चाहते ओ हर ई गोइठ मा ध्यान दे जोन मैं कहत हूँ। ई कथा हर चेला मल्ला उलझन मा डार दिस। इकर बर यीशु हर समझाइस कि उ बीजा परमेश्वर के वचन ए। उ डहर एक ठन ऐसने मनसे ए जोन परमेश्वर के वचन ला सुनथे लेकिन ओला नी बुझे। तहां शैतान वचन ला चुरा लेथे अर्थात शैतान ओला वचन ला समझे ले धुरिया राखथे। उ पथरी भुइया ऐसने मनसे ए जोन परमेश्वर के वचन ला सुनथे और खुशी के संग ओला मान लेथे लेकिन जब कठिन समय आथे या जब आने मन से मन ओला दुख देथे तो ओहर परमेश्वर ले धुरिहा चले जाथे अर्थात ओहर परमेश्वर ला भरोसा करे बर बंद कर देथे। उ कांटा वाला भुइया ऐसने मन से जोन परमेश्वर के वचन ला सुनथे लेकिन उ बनेज गोइटवन के बारे मा चिंता करे बर शुरू कर देथे और ओहर बनेच धन कमाए के कोशिश करते और ओहर बनेच चीज मल्ला पाए के कोशिश करते। थोड़कुन बेरा के बाद ओहर परमेश्वर ला माया नहीं कर पाए। इकर बर ओहर जोन कुछु परमेश्वर के वचन ले सीखे रहिस ओकर ले ओहर परमेश्वर ला खुश कर नहीं पातीस। ओहर गेहूं के डंठल के जैसने जोन कोनो अनाज उत्पन्न नहीं करे। लेकिन बने भुइयां मा गिरे बीजा उ मन से जोन परमेश्वर के वचन ला सुनथे ओकर ऊपर विश्वास करते और फल उत्पन्न करते। मती अध्याय 13:1-8, 18-23, मरकुस अध्याय 4:1-8, 13-20, लुका अध्याय 8:4-15 ले बाइबिल के एक ठन कथा।